स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कर रही थी आप? कुछ नहीं। झूठ। मानेंगी नहीं, पर सच बात तो ये है कि आप मेरे बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही हैं। नहीं, कहा ना कुछ नहीं कर रही हूँ। कमाल है, कल से इम्तिहान है और आप कुछ नहीं कर रही हैं? नहीं, पढ़ाई कर रही हूँ। इसे आप कुछ नहीं कहती हैं? मेरा मतलब, मैं तैयार हो रही थी, हो चुकी हूँ। आपने फोन क्यों किया? आपको विश करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। तो कल आपका पहला पेपर है? हाँ, कल दो पेपर्स हैं और उसके अगले दिन दो पेपर्स हैं। आपकी छुट्टी। फिर आपसे देर तक बात कर सकूंगा बिना डरे कि आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हेलो जी, होप आपका लिटरेचर का पेपर अच्छा जाए। हाँ, आपके कारण मैं ओथेलो की जेलेसी समझ पाई। अब जब आप ओथेलो की जेलेसी समझ ही गई हैं तो इस बार एग्जामिनेशन हॉल में थोड़े ज्यादा पेन लेके जाइएगा, वरना कोई आपकी मदद करेगा तो ओथेलो जल उठेगा। धनिया कैसी है? उसने शादी से मना कर दिया, लेकिन आपको याद है ना, आपको उसके लिए एक अच्छा सा लड़का देखना है। चलिए, ये तो अच्छा हुआ, पर क्या है नक्षा जी, आपकी किस्मत तो अच्छी है कि मैं आपको मिल गया, अब उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं। क्यों, आपको नहीं लगता कि मैं उसके लायक हूँ? आप मेरे मुंह से ना सुनना चाहते? हाँ कैसे नहीं कहेंगी, पत्नी को पति की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए। यही रीत चली आ रही है मैडम। बहुत ही बदतमीज हो गया है तू, इतनी जुबान चलती है तेरी, सबके लाड में बिगड़ गया है, बड़ों से ऐसी बात की जाती है। अरे, क्या कर रही है छोटी, बस करना, समझ गया है। देखो बेटा, आज के बाद आप कभी ऐसी बात नहीं करोगे। बेटा, गोपी दादी हम सबकी माँ जैसी है। कोई लाड जताने की जरूरत नहीं है दीदी इस पर, आज तुझे इसकी सजा मिलेगी, तुझे आज खाना नहीं मिलेगा, समझे? जा जाके सो जा। पता नहीं कहां से सीख लिया इसने सब। हमसे? हमसे? बच्चे को दोष क्यों दे रही हो? माना कि अंशु ने बहुत गलत किया, पर बच्चा तो वही कहेगा जो देखता है। लेकिन देवर जी, हमने तो कभी गोपी दादी के बारे में ऐसा नहीं कहा। मानता हूं कि हम उनका सम्मान करते हैं और उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं, पर शायद गलती हमने भी की। अंशु की तरह उनका नाम नहीं लिया, पर समझा तो वही, पूरी उम्र उनकी इसी घर में गुजर गई, हम सब के लिए दौड़ भाग करते हुए, और हम भी हक से उनसे हर काम लेते आए, और किसी नजर से देखा ही नहीं उन्हें, सिर्फ कह देने से कि माँ है, माँ नहीं हो जाती, और ये बात बच्चा भी समझता है। गोपी दादी, आपने कुछ खाया नहीं है, चलिए कुछ खा लीजिए। आप नहीं बोलेंगी? कोई बात नहीं, मैंने आपकी कब सुनी है, हम अभी ऊपर खाना लेके आते हैं। बट धनिया, तू शादी कर ले बेटा, शादी कर ले। हम गलत थे बेटा, हम गलत थे।
हम तो इस परिवार में खाली हाथ आए थे, सबके हाथ का सहारा मिला तो इस परिवार का हिस्सा बन गए। सिर्फ हिस्सा, ऐसे देखो सब साथ है और वैसे देखो सब अलग। जिस सिखाने के प्यार ने हमें कभी पराये पर महसूस नहीं होने दिया, बच्चे भी कितना मान देते हैं ना, कितना मान देते हैं हमें। आपकी पीठ में दर्द था ना गोपी दादी, चलिए हम बाम लगा देते हैं। नहीं दी, रहने दे तू। नहीं, क्यों? हम आपकी बेटी जैसी नहीं है गोपी दादी। गोपी दादी भी अक्षरा दीदी के साथ की ससुराल चले जाएंगे, जिसे आप कहते हैं। माँ की तरह विदा करेंगी ना गोपी दादी, करेंगी ना। बचपन याद आ गया संकरी को, सुबह उठती पहले मुंह में जलेबी डालती थी और फिर कुल्ला करती थी, इतनी पसंद है मुझे जलेबी। लीजिए ना और लीजिए। हाय, सारे कहने की जरूरत ना है छोटी को, मारा अपना घर है, जी भर के खा लूंगी तभी उठूंगी। हाँ बड़ी बहू, बुलाया किस लिए था? ताई, अब जब धनिया ने खुद ही ब्याह के लिए मना कर दिया है तो हम सोच रहे थे क्यों ना अक्षरा के साथ उसे उसके ससुराल भेज दिया जाए। सोचा तो मन ने भी था पर पहले कहा नहीं, सोचा बुरा ना लग जाए। क्यों ताई? जमाना बदल गया है ना, पर मने पता है महेश्वरी खानदान की रीत, लड़की की शादी में दहेज के साथ छोरी भी जावे है, ताकि ससुराल जाते ही लड़की को किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। बड़ी पुरानी परंपरा है इस परिवार की। हाँ ठीक है, तो आप हमारा संदेशा दे दीजिएगा लड़के वालों को, अभी से ही बता देना ठीक रहेगा ना, ताकि बाद में कोई बात ना उठे। हाँ जरूर बता दूंगी, अभी जाके बता देती हूँ। हाय, छोरी की जिंदगी समर जावेगी, वरना अकेली औरत जात किसके भरोसे रहेगी, वहां खूब मन लगेगा इसका। हाँ सौ बार टोको है पर एक दिन धनिया बारीक ना काटो, अरे गुलाबों ने ठीक से काटो। जाने क्या चाहते हैं, देखते हैं, जब वो आएगी ना तो आप ही धनिया काट रहे होंगे। कौन, नैतिक की बहुरानी? उसे कहाँ कुछ आता है, वो उस दिन गोपी दादी कह रही थी ना हमारी बिटिया काम ना करेगी, उसकी मदद के लिए तो किसी को साथ भेजेंगे। हाँ हाँ ठीक है, अरे इन बड़े लोगों को कहा क्या, वो बिटिया ने कहा जो काम तो सिखाना है और भेज देते संग में एक नौकरानी, बस वही ससुराल संभालेगी। और एक हमारी भाभी माँ खुद सीखी है और दूसरे ने सिखाता है। क्या सिखा है महाराज जी ने, देखो तो। हाँ ठीक है, डाल दो दाल में। क्या बता रहे थे महाराज जी? अरे हम तो भाई छोरी की बात कर रहे हैं जो आपकी बहुरानी के संग आवेगी। छोरी कौन? अरे बादन अखा थी पे समदिन जी आई नहीं, वही लोग कह रहे कि शादी के बाद ससुराल में काम करवे के लिए वो एक छोरी भेज देंगे, वही सबरो काम करेगी। हाँ, वो छोकरी धनिया वो आएगी। अरे सीरी थे उनकी तो ऐसे ही सही भाई, आज भी कई खानदान ऐसे हैं कि जिनकी परंपरा है कि बेटी के ब्याह के साथ छोरी भेजे, तू तो जाने है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ना सही, अरे तू महारानी है इस घर की,
तू जो कहेगी वही होवेगा। मने एक बात बता, रसोई के और घर के काम काज में कोई दखल है मारा? फैसला तेरा है, हम लड़के वाले हैं, अपनी बात रख सके कि ना? हाँ। चल मैं चलूं, वरना राह देख रहा होगा। भाभी माँ चख के बताइए, शक्कर पारे बनाए? क्या हुआ भाभी माँ, परेशान है आप? अभी उड़ती खबर मिली है, हमारी समधन जी शादी के बाद अक्षरा के साथ, वो छोरी धनिया को उसके साथ यहाँ भेजेंगी? हाँ, जैसे गोपी दादी गई थी उनके घर दहेज में। तो भेजने दीजिए, नौकरानी तो है ना। ये नहीं हो सकता छोटी दुल्हन, घर में बहू आती है तो इस घर का वो एक हिस्सा बनती है, घर के मर्यादों का उसे ख्याल होता है। लेकिन नौकरानियों का क्या, घर का काम करती है तो घर की चार बातें सुनती भी है, गजबर की लंबी जुबा होती है इन छोरियों की, जाने क्या क्या लड़के वालों तक पहुंचाती फिरे। ऐसा नहीं कि हम कुछ छुपाना चाहते, लेकिन हर घर के दरवाजे पर एक पर्दा होता है, उसके अंदर हम यूं ही किसी को ऐसे क्यों झांकने देंगे? देखो छोटी दुल्हन, हम देख परख कर बहू ला रहे, और मैं उसके साथ यूं ही किसी को ऐसे ही नहीं आने दूंगी। धनिया, आज हमें देर हो गई, पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? आज हम पंचकुला झील वाले मंदिर गए थे, बजरंगबली जी बहुत सुनते हैं हमारी, और हाँ आज हमने कहा है अक्षरा दीदी और वर्षा भाभी का इम्तिहान अच्छे से होना चाहिए, और ये देखो हम प्रसाद लाए हैं। अच्छा, अरे हम प्रसाद लाए हैं, सुना नहीं क्या? सुन लिया। तो जाकर दोगी नहीं अक्षरा दीदी को? तुम लाए हो, तुम ही जाकर दे दो। अब हम क्या जाएंगे, तुम जा रही हो, ना जाने क्या हो गया ऐसे आजकल, ना पहले जैसे बात करती है ना ठठोली। अक्षरा ये आंसर एक बार फिर से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएगा। पेपर आसान हो भगवान, मैंने जो पढ़ा है वही आए। प्लीज अक्षरा, हर साल की तरह इस बार भी घबराना फिर से मत शुरू करना। अक्षरा दी, हम आपके लिए हनुमान जी के मंदिर से प्रसाद लाए हैं, आपका इम्तिहान बहुत अच्छा होगा। आपको याद था हमारा इम्तिहान है? बहुत बहुत धन्यवाद भोला भैया, हम बाहर गाड़ी निकालते हैं, आप लोग आ जाइएगा। भोला भैया जी। अक्षरा दी, हमारा एक छोटा सा काम कर देंगे? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, इसमें कहने की क्या जरूरत है, हम अभी कर देते हैं, बताइए। जरा धनिया से जाके कह दीजिए ना कि हमारा नाश्ता जल्दी तैयार करें, हमें देर हो रही है। क्या हुआ? वो हम से बात नहीं करते। क्यों? पता नहीं आपको, आजकल ना तो वो हमारी बात सुनती है और ना ही जवाब देती है, जैसे हमें जानती ही ना हो। कोई बात हुई होगी, हो सकता है तुम्हीं ने कुछ कहा होगा। हमने कुछ नहीं कहा, बल्कि आजकल तो उस महारानी की हमें सुननी पड़ती है। भोला भैया, कभी कभी हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं और हमें भी पता नहीं चलता। नहीं वर्षा भाभी, हमने कुछ नहीं कहा, पहले तो हम मजाक कर लिया करते थे, अब तो वो भी नहीं। सोचिए, हो सकता है कोई बात हो। ना ना बाबा, छोरियों का मन तो भगवान ना पढ़ सके, हम कौन होते हैं। हाँ भगवान जी प्लीज, मेरा पेपर अच्छा जाए, भगवान जी प्लीज, पर अच्छा भगवान मेरी मदद करना। आज आपके बाल गोपाल को खूब माखन चढ़ाया जा रहा है, देखिए
इम्तिहान के दिनों में हर घर से खूब माखन खाने को मिलता हुआ है। दोनों बच्चियां जाग जाग के आठों पहर पढ़ती रही हैं। धनिया आ जाओ बच्चियों आ जाओ। खूब अच्छा पर्चा करके आना। बाल गोपाल तुम दोनों के साथ है। भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो आपकी तरह मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट। अक्षरा सब रट लिया ना? अभी अच्छे से एक एग्जाम का आंसर दूसरे में और दूसरे का तीसरे में लिख के आना। हाँ दादू चुप कर चुप चुप बोल। हेलो हेलो मैम। वर्षा कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं माँ? बस राधा रमन जी की कृपा है। और सुन तेरी सारी तैयारियां हो गई? अच्छे से, खूब अच्छे से पर्चा देना। और माँ क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जानती तो है आज के दिन अपनी बेटी को दही चीनी मिलाकर परीक्षा को भेजती थी। हाँ माँ, मुझे भी आपकी हर बात याद आती रहती है। मैं कल सोच ही रही थी कि मैं आपको फोन करूंगी, पर फिर समझती हूँ बेटा। कल से ही दामाद जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कॉलेज जाने से पहले वर्षा को जरूर फोन कर दीजिएगा। मैं कैसे भूलती भला, लेकिन उनको चैन कहाँ। बड़ी किस्मत वाली है तू वर्षा, इतना अच्छा दूल्हा मिला है तुझे। जितना मैं तेरा ख्याल रखती थी उससे कहीं ज्यादा दामाद जी तेरा ख्याल रखते हैं। भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। ये बातों बातों में वक्त चला जाएगा, देर हो जाएगी तुझे, जा जल्दी। और भगवान से प्रार्थना है कि तेरा और अक्षरा का परीक्षा अच्छा हो। माँ आपका आशीर्वाद मिल गया है ना, वही बात है। माँ मैं आपको शाम को फोन करूँ? सुखी रहे। बाय। तू भी ना बहन को तंग कर रहा है। भोला। अरे माँ आज मैं इन्हें छोड़ आता हूँ। मैंने भोला से क्या दिया, हर रोज जाके कॉलेज में सोता ही है, आज घर में ही सो लेगा। हाँ। अरे चलो चलो, इससे पहले सब रटा रटाया भूल जाओ, हम लोग कॉलेज पहुंचते हैं। चलो। देख लिया सासू माँ, बेटे को बहू की कितने फिक्र है। क्यों देवरानी जी, जैसे हमारे देवर जी ने कभी आपकी फिक्र नहीं की हो। वर्षा किस्मत वाली है दीदी। आपकी भी तो अच्छी किस्मत है, हमारे देवर जी लाखों में एक हैं। और अगर मेरा पोता अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखेगा तो हम सब उसके कान खींच कर लंबे नहीं कर देंगे। अरे बेटों को सिखाना पड़े तो क्या हर्ज है। अरे वो दिखाई नहीं दे रहा, मेरा दूसरा पोता कहाँ है? आज स्कूल नहीं जाएगा? सबसे रूट कर सो रहा है, क्या करे बेचारा। पहले आपने उसे थप्पड़ मार दिया, उसके बाद रात में छोटी ने उसे खाना नहीं दिया, बेचारा रो रो के मेरे कमरे में सो गया। मैंने भी नहीं जगाया इसे। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।